असलम दोस्तों दोस्तों कैसे दो सारे बात करने वाले ECDC 7.5 HP सबमर्सिबल वाटर पंप की ऊपर इसकी जो बॉडी है ये चेंज की है, ठीक है। चेंज की इसकी पंप की भी बॉडी है और चेंज की इसकी मोटर की भी बॉडी है। एक तो ये आपको नज़र आ रहा है छोटे वाला, ये 4000 वाट की 5.5 HP की है। इसका जो मोटर है वो है 4 इंच के डाया में और जो पंप है वो है 5 इंच का, लेकिन जो साथ पड़ा हुआ है ये है चेंज के, उसमें डाया जो साथ है ना इसका चेंज है और जो प्रेशर है आउटलेट जो पानी है वो है 3 इंच। तो अभी आप ये कहोगे कि एक तो 7.5 HP की मोटर है और दूसरी बात ये ना कि मोटी बॉडी में आ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, पानी तो वही दे रहा है 3 इंच। इसका फ़ायदा काफ़ी सारा है। एक तो ये ना कि ये आपकी जो है ना कम वोल्टेज भी चल जाती है, दूसरी बात जो मेन बात है इसकी थोड़ी सी गहराई इन्होंने ज़्यादा की भी। जो पहली बारी थी ये 5.5 HP ये 75 मीटर की ली थी और ये बारी जो ना तो इसका हेड जो ना वो है 98 मीटर। ये इसका जो 5.5 HP का इसका है 75, उसका 98 मीटर। 98 तो नहीं लगा सकते, 98 तो इसका प्रेशर काफ़ी कम होगा इसकी, क्योंकि एक तो ये ना कि इसके अंदर जो इम्पेलर वो पंखे जो है ना स्टेज वो 4 स्टेज का पंप लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है 5 स्टेज का पंप, ठीक है। और उसका पानी का प्रेशर अगर आप लगाते हो 100-120 में तो फुल प्रेशर के साथ 3 इंच पानी होगा। 12 फीट भी चला सकते हो, 10 फीट भी चला सकते हो, 10 फीट भी चला सकते हो, लेकिन 10 फीट उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, 12 फीट अच्छा होगा, 14 फीट वो इसलिए क्योंकि मोटर 7.5 HP की है, 5500 वाट की है। सोलर पैसे मैं आपको बताते रहता हूँ, आपको पता होगा सोलर जो ना पूरा आपको जो ना पावर नहीं देता, तो इसलिए अगर आप 12 भी लगाना चाहते हो तो 12 भी चला सकते हो, 10 भी चला सकते हो और 14 भी चला सकते हो। 14 भी ये होगी कि इसकी जो RPM वो होंगे ज़्यादा, क्योंकि इसकी ये जो मोटर होती हैं जितनी भी हमारे पास है ना इनके RPM ज़्यादा होते हैं, 4000 RPM होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हो 10 प्लेट तो 10 प्लेटों पर तो 4000 RPM पर नहीं जाएगी, 14 भी अगर आप लगाते हो तो RPM इसकी जाएगी 3400-3500 पे, इससे ऊपर नहीं जाती। इससे ऊपर इसलिए नहीं जाती क्योंकि पानी का इसके ऊपर फिर लोड पड़ जाते हैं, तो 3400-3500 से ऊपर नहीं, 3400-3500 पे इसका काफ़ी बेहतरीन प्रेशर होते हैं। मैं मोटर आपको नज़दीक करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करें सोलर जब भी लेना सोलर लिया करें ए ग्रेड वाले, अच्छे सोलर लिया करें, अच्छे सोलर आपको जो ना अच्छा जो ना पावर देता रहेगा। तो बाकी इसकी जो अपना है RPM तो मैंने बता दिया ना, 4000 एम्पायर जो है इसकी वो 14 है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 पे तो जाते नहीं है, लेकिन 14 जो ना अगर 14 तक भी आपकी जो ना हो गया एम्पायर हो गए तो ये सपोर्ट कर लेती है। तो बाकी ये तो जो छोटे छोटे वो आपको मैंने वीडियो बना के दी हुई थी, एक मैंने परसों वीडियो अपलोड की हुई थी वो थी खुदा आपका वाला अगर 4 इंच की, ये 3 इंच की 5.5, उसमें 5500 वाट 7.5 HP, ये 3 इंच की। जो दूसरी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी वो थी 7500 वाट की थी, 10 HP की थी, वो 4 इंच की ली थी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको नज़दीक लेके आता हूँ और आपको मोटर चेक करा देता हूँ। और इन्वर्टर तो आप साथ देख रहे हो, इन्वर्टर ये पड़ा हुआ है, 3 फेज बिजली भी चला सकते हो। अगर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर आपकी बिजली 260 भी आ गई ना तब भी आपकी ये मोटर रन करेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपकी जो ना वो बिजली हो गई है 300 पे आ गई या 270-280 पे आ गई तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी, तो ये मोटर आपकी रन करेगी। क्योंकि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है ना वो मैं बता देता हूँ इसकी कितनी, हाँ ये इसकी जो इनपुट ये काफ़ी वज़नी है, काफ़ी इसका ज़्यादा वज़न है, ये डबल आ रहा है देखिए ना इन्वर्टर इसका ये है। तो इसकी जो मॉडल जो है ना ये मॉडल EC380 है, DC550 है और इनपुट वोल्टेज जो है ना वो EC260 से लेके ना 528 तक ये इसको आप दे सकते हो। अगर आपकी वोल्टेज कम हो गई 260 तक आ गए तभी आपकी मोटर रन करिए, अगर आपकी वोल्टेज हाई हो गए और 528 तक चले गए तब भी आपकी मोटर को कुछ नहीं होगा ना आपके इन्वर्टर को कुछ होगा, तभी ये रन करेगी। और जो DC इनपुट वोल्टेज है ना वो है 300 कम भी रन नहीं करेगी, 300 से ऊपर अगर ये आपकी वोल्टेज चलेगी 780 तक, अगर DC वोल्टेज आपकी 300 से लेके 780 तक भी चलेगी तो ये आपकी मोटर रन करेगी। कम अगर 300 तक भी आ गए तब भी आपकी मोटर रन करेगी और ज़्यादा अगर आपके 780-750 तक समझ ले 750 तक भी अगर आपकी वोल्टेज गए तो ये आपकी मोटर रन करेगी, ठीक है। क्योंकि इसके साथ काफ़ी बड़ा जो है ना इन्वर्टर होता है,
तो ये इन्वर्टर है इसके साथ, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको यहीं पे मोटर भी दिखा देता हूँ। इन्वर्टर आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक तो इसके साथ वो दूसरे वाला आ रहा था ब्लैक वाला, वो नहीं आ रहा है, इसके साथ ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर है, ये पंप है, पंप मैं आपको दिख करके दिखा देता हूँ। ये इन्वर्टर आपकी 7,500 वाट के साथ भी आ रही है, और यही इन्वर्टर आपकी जो ना 5,500 वाट के साथ भी आ रही है। अच्छा, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मोटर, ये आप चेक करें, ये 6 इंच की बॉडी में है, मोटी बॉडी में, ठीक है। और ये 4,500 HP की है, और ये जो है ना अपना 7,500 HP 5,500 वाट में, ये है AC DC मोटर। मैं आपको हम पहले दिखा देता हूँ, ये 36 के फ्लो में आ रही है, ये आप देखिए 1 और 2 3 4 4 इसमें स्टेज लगी हुई है। ठीक है, इन्वर्टर तो मैंने आपको दिखा दिया, ये इन्वर्टर है, ये आप चेक करें। अच्छा, ये भी तो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, ये वही है जो पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये 7,500 वाट की 4 इंच के लिए। इसकी बॉडी और इसकी बॉडी सेम है, बस सर्विस में जो ना पंप इन्होंने लगाया हुआ है उसका क्या नाम है, 3 इंच का। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप कितने फुट पे लगाओगे तो कितनी आपको जो ना ये पानी देगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर इसे आप लगाते हो 90 फुट पे, 90 फुट पे आप अगर इसको लगाते हो तो ये आपको देगा 500 लीटर पर मिनट पानी, और अगर इसको आप लगाते हो ये हुए कि घंटे में आपको पानी मिलेगा 30,000 लीटर, और अगर आप इसको भी 120 पे लगाते हो तो 120 ही आपको देगा 400 लीटर पानी पर मिनट, घंटे में आपके 24,000 लीटर हो गए। और 150 भी लगाते हो तभी आपको 3 इंच पानी देगा, लेकिन इसका प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। और अगर आप लगाते हो इसको 190 फुट पे, तो 190 पे ये आपको देगा 2.5 इंच पानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ना वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बाकी मैंने यहीं पे अपना नंबर शेयर किए हुए, किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप हमसे रابطہ कर सकते हो। इस मोटर के साथ भी इन्वर्टर भी होगा, पंप भी होगा, मोटर तो वैसे होता है, इन्वर्टर इस उसमें होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा इन्वर्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।